हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं स्मार्ट पटेल चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरह से किसी भी पीसी गेम्स के अंदर जो लेग की प्रॉब्लम आती है, लेग यानी कि हैंग की प्रॉब्लम। हम जब भी गेम्स को खेलते हैं तो उस समय ऐसा होता है कि वो गेम्स हैंग की कंडीशन में चली जाती है। तो इसे में इस समय आप उस गेम्स को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं उसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सिंपल से आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली है, लिंक यानी कि कमांड फंक्शन के वर्ड डाला है, तो उस वर्ड को आपको सिंपल से अपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद उसे आपको किस तरह से यूज़ करना है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ओके, तो वीडियो हम शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो की ओर। तो फाइनली आप यहाँ हमारे पीसी के डिस्प्ले के ऊपर आ चुके हैं। तो अभी आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, सिंपली मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक सोर्स कोड है। आपको ये एक सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आपको इसके सोर्स कोड का किस तरह से यूज करना है वो बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस सोर्स कोड किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 प्लस और यहाँ लास्ट में भी देख सकते हैं 21 प्लस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 21 प्लस की जगह आप जितना चाहे सोर्स को डाल सकते हैं, यानी कि ये आपकी FPS को कंट्रोल करता है। या अभी जो मेरे पास 21 FPS में लिखा है, 21 लिखने से क्या होगा, आपकी जितनी कोई भी गेम्स के अंदर आप ये यूज करेंगे तो आपकी जो गेम्स की परफॉर्मेंस यानी कि FPS कंट्रोल है वो 21 पे तरह कन्वर्ट हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पे 30 या 60 या कोई भी लिख सकते हैं। ओके, सिंपल से इसको सोर्स कोड को कॉपी कर लेना है। ओके, सिंपली इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद मेरे पास जो एक गेम्स पड़ी हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे पास NFS राइवल्स की गेम पड़ी है जिसके अंदर लेग आ रहा है। तो इसे किस तरह से फिक्स करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका प्रूफ, ये गेम में वाकई में ही इसके अंदर लेग आ रही है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा डिस्प्ले सेटअप चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको प्रूफ हो जाए कि वाकई इस गेम के अंदर लेग आ रही है। तो ओके, हम चेंज कर लेते हैं और आपको उसका गेम प्ले दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमारे पीसी के अंदर लेग आ रही है, गेम्स पूरी तरह से वर्क नहीं करती है। तो इसे हम किस तरह फिक्स करते हैं वही मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल से इस गेम को मैं तो बंद कर लेता हूँ। ओके, तो आपने गेम्स प्ले के वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे गेम्स के अंदर लेग आ रही थी। तो अब हम इसे फिक्स करेंगे, किस तरह से फिक्स करना है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, आप जो भी आपकी गेम्स का आपको जो फिक्स करना चाहते हैं आपकी FPS, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल से उस गेम के ऊपर एक बार क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक दबानी है, राइट क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको जाना है प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉपर्टीज। तो सिंपल से प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक कर लेना है। प्रॉपर्टीज को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। ओके, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट ऑफ लोकेशन एंड नीचे यहाँ पे लिखा है टारगेट्स। तो आपको करना क्या है, टारगेट के पास जाना और लास्ट में यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो हम देखिए आप करते यहाँ पर लास्ट में आ चुका है। तो अब आपको करना क्या है, एक बार हमको स्पेस दबा देना है, स्पेस बार आपको दबा देना है। जैसे आप स्पेस करके कुछ इस तरह का एक जगह हो जाएगी, तो उसके बाद आपको करना क्या है, जो हमने जो कॉपी किए थे सोर्स कोड, यानी कि आपको दिखा देता हूँ एक बार वापस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सोर्स कोड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स कोड हमारे थे जो सिंपल से हमने जो कॉपी की थी, लेकिन एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी, और आपको यहाँ पे करना है कि आप लास्ट में चला जाना है जो हमने स्पेस दबाई थी। एक बार याद रखिए आपको यहाँ पे स्पेस तो चाहिए ही होगी, तो आपको सिंपल से एक बार फिर से स्पेस कर लेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है कंट्रोल वी ताकि गेम यहाँ पे जो हमने सोर्स कोड डाला था वो सारे यहाँ पे पेस्ट हो जाए। आपको यहाँ पे याद रखना, आपको सिंपल से डाल देना, उसके बाद आपको देखना है अप्लाई, तो सिंपल से उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, अप्लाई अप्लाई एंड हिट ओके।
ओके जिस ऐसे ही हो जाएगा तो सिंपल सा हमें इसको बंद कर लेना है और इस पेज को वापस रिफ्रेश कर लेंगे और वापस हम गेम्स के फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। ओके ओपन हो गया, तो ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सोर्स कोड यहाँ पे ओपन हो चुकी है, लेकिन एक बार हम वापस पे चेक कर लेते हैं कि वाकई में सोर्स कोड हमारी जो हमने जो सोर्स कोड डाली थी वो यहाँ पे सेव हुई है या नहीं। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्स यहाँ पे जो हमारे सोर्स कोड यह सारी की सारी यहाँ पे कॉपी हो चुकी है, तो वापस एक बार हम चेंज कर लेते हैं हमारे जो स्पेस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्पेस आपको डालना ही होगा। अगर आप स्पेस नहीं डालेंगे तो कभी भी फाइल सेव नहीं होगी। ओके तो सिंपल सा आपको यहाँ पर स्पेस डाल ही दीजिएगा। ओके तो अब आपको इसका गेम प्ले मैं दिखा देता हूँ। तो ओके वापस इस गेम को हम प्ले करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे गेम्स यहाँ पे चालू हो गई है, यानी कि वर्क करने की स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपको उसका मैं गेम प्ले दिखा देता हूँ। ओके ओके यहाँ तो आप देख सकते हैं हमारे जो लैग की प्रॉब्लम थी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। अब गेम्स वाकई में बढ़िया वर्क कर रही है। ओके तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी गेम्स को मैं थोड़ा हार्ड बना देता हूँ, ट्राई करते हैं लैग होता है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद होगा। फ्रेंड्स अगर पसंद है तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तो ओके फ्रेंड्स मिलते हैं हम न्यू वीडियो में।